नमस्कार, मैं सागर भोटे। आज 10 मार्च है, देश की पहली महिला शिक्षक जिन्होंने अपना जीवन सिर्फ लड़कियों के लिए पढ़ाने और समाज को ऊपर उठाने में लगा दिया, जिनका नाम है सावित्रीबाई फुले। आज सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि है। मैं इस दिन पर उनकी प्रतिमा को विनम्र अभिवादन करता हूँ। उन्होंने सामाजिक एकता, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। सामाजिक चेतना के लिए उनका संघर्ष देशवासियों को सदा प्रेरित करता रहेगा। सावित्रीबाई फुले एक दलित परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन तब भी उनका लक्ष्य यही रहता था कि किसी के साथ भेदभाव ना हो और हर किसी को पढ़ने का अवसर मिले। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षक, कवित्री, समाज सेविका थी, जिनका लक्ष्य लड़कियों को शिक्षित करना था। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के एक दलित परिवार में हुआ। मात्र 9 साल की उम्र में उनकी शादी क्रांतिकारी ज्योतिबा फुले से हो गई। उस वक्त ज्योतिबा फुले सिर्फ 13 साल के थे। पति क्रांतिकारी और समाजसेवी थे, तो सावित्रीबाई ने भी अपना जीवन इसी में लगा दिया और दूसरों की सेवा करना शुरू कर दी। 10 मार्च 1897 को प्लेग द्वारा ग्रसित मरीजों की सेवा करते वक्त सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया। सावित्रीबाई ने अपने जीवन के कुछ लक्ष्य तय किए, जिनमें विधवा की शादी करवाना, छुआछूत को मिटाना, महिला को समाज में सही स्थान दिलवाना और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। इसी कड़ी में इन्होंने बच्चों के लिए स्कूल खोलना शुरू किया। पुणे से स्कूल खोलने की शुरुआत हुई और करीब 18 स्कूल उन्होंने खोले। 1848 की बात है, उस वक्त सावित्रीबाई फुले स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती थी। तब सावित्रीबाई फुले 2 साड़ियों के साथ स्कूल जाती थी। एक साड़ी पहनकर और एक झोले में रखकर उनको जाना पड़ता था, क्योंकि रास्ते में जो लोग रहते थे उनका मानना था कि शूद्र अतिशूद्र को पढ़ने का अधिकार किसी को नहीं है। इस दौरान रास्ते में सावित्रीबाई पर गोबर फेंका जाता था, जिसकी वजह से कपड़े पूरी तरह से गंदे हो जाते और बदबू मारने लगते थे। स्कूल पहुंचकर सावित्रीबाई अपने झोले में लाई दूसरी साड़ी को पहनती और फिर बच्चों को पढ़ाना शुरू करती। यह सिलसिला ऐसा ही चलता रहा, लेकिन बाद में उन्होंने खुद के स्कूल खोलना शुरू कर दिया, जिसका मुख्य लक्ष्य दलित बच्चों को शिक्षित करना था। सावित्रीबाई फुले ने 3 जनवरी 1848 यानी अपने जन्मदिन के दिन पर ही अलग अलग जातियों को, 9 छात्रों को एकत्रित किया और स्कूल की शुरुआत कर दी। ये मुहिम सफल हुई और अगले एक साल के अंदर अलग अलग स्थान पर सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले दोनों ने मिलकर 5 स्कूल खोल दिए, जो समाज उस वक्त लड़कियों को घर में रहने के लिए मजबूर करता था। उस समाज के लिए सावित्रीबाई की मुहिम एक तमाचा थी। इसी मुहिम ने महिलाओं को सशक्त करने का काम किया और लोगों को इस बात को सोचने पर मजबूर किया कि महिलाओं को भी पढ़ाई का अधिकार है और बराबरी का हक है। सावित्रीबाई फुले की ये कथन आज के दौर में बिल्कुल सटीक लगते हैं। सावित्रीबाई फुले के द्वारा लिखी गई मराठी कविता का हिंदी उच्चारण मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, जाओ जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती। जाओ जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती। काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो। काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो। ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं। ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं। इसलिए खाली ना बैठो, जाओ जाकर शिक्षा लो। इसलिए खाली ना बैठो, जाओ जाकर शिक्षा लो। दमितों और त्याग दिए गए के दुख का अंत करो। तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा मौका है, इसलिए सीखो और जाति के बंधन तोड़ दो। इसलिए सीखो और जाति के बंधन तोड़ दो। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।